चलो मैं हलवा लेके आता हूँ जब तक। अस्सलाम आप हलवा ले आओ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वजन्नातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अलजहन्नमुल हलाल वलदोज़कुल हलाल। कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो ठीक है सर। आई एम फ्रॉम नेबर कंट्री, सो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस आई कांट से माय कंट्रीज नेम, सो आई कैन आई सर कैनॉट अंग्रेजी की स्पीक जरूरत इंग्लिश नहीं है सर, फ्लुएंटली। अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, आप उर्दू यस बोल रहे सर, हैं सर, नेबरिंग कंट्री से उर्दू बोल रहे हैं आप। आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम नेबर कंट्री। अदर नेबर कंट्री में हिंदी उर्दू नहीं बोली जाती? नहीं, नहीं बोली जाती। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश? ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन, टेल मी। नो, आई वांट टू स्पीक मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी। डू देयर इज नथिंग कॉल्ड मिक्स, Either speak in English or speak in Hindi. Pick one. फिर मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, तो बड़ी धन्यवाद आपका सर। बोलिए बिहार आज वाले का बाबा टॉपिक जी, क्या है। हल्दीराम को मेरी स्ट्रीम दिखा दीजिएगा, पोर्शन कट करके उसे कह रहा नेक्स्ट मिठाई का डब्बा मेरे को फ्री भेजे। थैंक यू बिहार वाले बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। साहब क्या कहेंगे सर आप नबी पाक की थू के मुबारक का? कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, नबी पाक ने कॉन्टेक्स्ट में एक पानी का डोल पकड़ा, मुंह में डाला, कुल्ली की और बच्चे के ऊपर फेंक दिया। आप ऐसा करना पसंद करेंगे नहीं जी सर? नहीं अरे तो आपके नबी पाक ने क्यों ऐसा किया सर? उस काल में उस काल में अनबिशियस था, तो इसलिए क्या था? सुपरस्टिशन थी, इसलिए सुपरस्टिशन सी, तो मोहम्मद सुपरस्टिशन के ऊपर बिलीव करता था। नो नहीं, देन व्हाई वाज ही नहीं एक्टिंग टू रिमूव सम सुपरस्टिशंस? बच्चे बच्चे ने उस पानी को पी ली। बच्चे के ऊपर फेंकी, तीन दिन बच्चे के ऊपर फेंकी, बच्चे ने तो नहीं पी, बच्चे का बच्चा तो स्वाभी नहीं ना था, स्वाभियों ने तो थूक भी पकड़ के अपने मुंह पे लगाई, वो एक सेपरेट चीज है। स्वाभी तो बहुत ही जबरदस्त थे, वो तो मोहम्मद की थूक, मोहम्मद थूक फेंकते थे, आ हजूर स्पिट पटे, वो लोग अपना हाथ आगे करते थे और हाथ में थूक ले लेते आ हजूर की, और फिर उसको अपने चेहरे के ऊपर रब करते थे, अपनी स्किन के ऊपर रब करते थे, और उससे उनको बड़ी खुशबू आती थी। मोहम्मद कहते आप प्रिच प्रिच, आपने कभी देखा वो नेपाल बांग्लादेश और इस किस्म की कंट्रीज में लोग पान खाते हैं, थूक पीते हैं, प्रिच देखा कभी आपने? वो मोहम्मद साहब जब करते थे पान प्रिच तो सहाबा इकराम वो अपना हाथ आगे कर लेते थे, मोहम्मद साहब का थूक पकड़ते थे और अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे, अपनी स्किन के ऊपर लगाते थे। क्या ही बात है। अगर रेफरेंस शो करते तो अच्छा होता। अरे मेरे भाई, मैंने पहले भी किया था लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आपको भी चाहिए होगा रेफरेंस। ये ले मेरे प्यारा भाई। हम मेरी तुम जान के टोटे, रेफरेंस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा भाई को। अच्छा भाई है, शरीफ भाई है। ये ले मेरा भाई, ये ले। ये देखे भाई, अल्लाह व्हेन एवर अल्लाह मैसेंजर स्पैट द स्पिट वुड फॉल इन द हैंड्स ऑफ वन ऑफ देम The companions of Prophet, who would rub it on his face and skin. If he ordered them, they would carry his order immediately. सुनने अबू बुखारी आगे तो व्हाट इज उसी दिस नॉट मीनिंग नॉट सुनन ए अबू बुखारी, दिस इज सही अल बुखारी अल बुक सॉरी सॉरी सही अल बुखारी सॉरी जी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस हदीस और हया सही हसन और दाइफ, दाइफ। दाइफ, दाइफ। सडनली तो सही अल बुखारी बिकेम दाइफ अल बुखारी, व्हाट डू यू थिंक?
in Islam, Daif Hadith is not acceptable. No, it is acceptable. Daif Hadith is acceptable. Daif Hadith has a acceptance ratio of 85%. But do you understand what I'm just saying? I'm saying Sahih al-Bukhari just became Daif al-Bukhari. Do you know what I just said? How? Because you are asking me for a Sahih al-Bukhari Hadith, if it is Sahih or not. You are asking me if Sahih al-Bukhari is Sahih or not. That's called sarcasm. I don't get it. Sorry for my bad. Okay, fair enough. So, जो सहाबी लोग थे वो क्या क्या बोल सकते हैं भक्त भक्त है अनभक्त अंधभक्त थे सहाबी लोग अंधभक्त थे पागल थे बेवकूफ थे जाहिल थे अनपढ़ थे नामाकूल थे गवार थे यस परफेक्टो अच्छा मुझे एक और बात बता दे गिव मी वन मोर थिंग नबी करीम अनपढ़ नामाकूल और गवार तो नहीं ना हो सकते say it again नबी करीम तो अंधभक्त नहीं हो सकते बेवकूफ नहीं हो सकते ना नहीं नहीं हो सकते अगर मैं आपको दिखाऊं कि नबी करीम एक्चुअली स्पैट इन द आटा जिससे रोटी बनाते हैं डो एंड देन ही स्पैट इन द फूड जिसको लोगों ने खाना है व्हाट वुड यू से show me the reference and I will like I said if I show you what would you say because right now you just said all the sahaba ikram are andhbakt quite frankly you are not even a muslim right now but doesn't matter let me just show you that muhammad would actually spit in the atta in dough you know what dough is when you actually cook no. a bread you need to first make a dough then it becomes a sunnah right then you have to spit in the dough as well because it becomes a sunnah whatever muhammad did is a sunnah right yes so it becomes sunnah so all of the muslims have to spit in the atta as well har musliman ko aate mein thookna chahiye but it is not mandatory to follow sir, the koi baat nahi lekin agar koi if there somebody is a good mu'min he will follow right it's not mandatory to follow okay may allah do so and so I said I have told prophet what you said then she brought out to him tab wo leke aayi to prophet the dough atta he spat in it to muhammad sahab ne uske upar thook phenki aprich ki and invoke for allah blessing aur allah se kaha allah ki blessing ho is atte pe then he proceeded towards the earthenware meat board to fir wo گوشت پکے ہوئے گوشت کے برتن کی طرف گئے and spat in it اور انہوں نے اس سالن کے اندر بھی تھوک پھینکا پڑچ کی and invoke for Allah blessing in it اور پھر انہوں نے اس کھانے کے اوپر بھی اللہ کی blessing پھینکی then he said to my wife call a lady baker and bake along with you and keep on making the scooper of the meat تب انہوں نے کہا بلاؤ اس روٹی بنانے والی کو اور اسے کہا لو جی اب اس آٹے سے کھانا بناؤ اور اس میٹ پورٹ کو اور اس روٹی کو بانٹ دو یعنی کہ محمد صاحب کی سنت کیا ہے کہ آٹے کے اندر تھوکو سالن کے اندر تھوکو آپ تھوکتے ہیں سر نہیں تھوکتے محمد صاحب نے تھوکا نا آپ نے پڑھا نا ہاں یہ ضعیف البخاری کے اندر لکھا نا تو اگر کوئی مومن ہوگا تو اسے ایسا کرے گا نا کر سکتا ہے نا سنت ہے نا وہ کر سکتا ہے وہ بھی اور پھر اللہ کی بلیسنگ ہوئی سارٹے میں آپ کیوں مسلمان کر سکتا ہے آپ کیوں مسلمان اب کیا کرو چھوڑ دوں کیا نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو اتنا تھوک والے نبی کو ماننا چاہیے کیا آپ کو سو واٹ آئی ول ڈو آفٹر لیونگ اسلام وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے لیو تو کرے نا
एक दो कश्ती में तो नहीं चल सकते आप? कभी आपने देखा किसी बंदे को उसने एक कश्ती में एक पाँव रखा और दूसरी कश्ती में दूसरा पाँव रखा हो, कभी देखा ऐसा? नहीं देखा। एक वक्त में एक ही कश्ती में होते हैं ना, हाँ हाँ अगर किसी दूसरी कश्ती में जाना तो पहली कश्ती को छोड़ना पड़ेगा ना, हाँ तो छोड़ दो ना कश्ती को, तो छोड़ो इफ आई जमीन लीव पे आओ दिस नाउ ना, नाउ तो मैं कश्ती को छोड़ो मेरे मेरे जमीन पे आके जान पे खड़े तो हो खतरा ना, पड़ जाएगा, क्या पड़ बिकॉज जाएगा? आपका आई नाम किसी को नहीं डोंट नीड माय, जाना, आपका नाम किसी को नहीं पता, आप कहाँ रहते हो किसी को नहीं पता, बट कश्ती छोड़ के जमीन पे आई खड़े हो ना, लिव फिर इन तुम्हें ए और कश्तियां मुस्लिम दिखाते हैं। डोमिनेटेड सोसाइटी, सो देयर इज व्हाट? ए 29%। किसी ने आपको कहा सबको जाके बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया? तो फिर तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा ना, एक फेक पर्सनालिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्या आप इस तरह के थूक वाले नबी को मान सकते हो? थूक वाली सरकार को मानते हो नबी? So you have two ना नहीं choices मानता। actually. Be rational. You have two choices. Be rational और ढोंग करो, या तो फिर यही गंदगी को मानते रहो. Choice is up to you. साहिल साहब इनका एग्जाम If I लिया था? avoid these parts, इनका then मुस्लिम एग्जाम लिया था नहीं, आपने? नहीं, नहीं, क्योंकि मैंने जरा तुमको इनका इनका स्टार्ट मुस्लिम नहीं टेस्ट किया ले था ले ना. जरा, इनका मुस्लिम टेस्ट ले ले जरा। हाँ भाई, नमाजें वमाजें पढ़ते हो? या ऑफ कोर्स, कुछ सुना सकते हो? सूरह काफिरून, सूरह फील, सूरह काफी नास? रूम तो याद नहीं है, ना सुनाता हूँ। हाँ हाँ कुलाउज़ुबिर बिस्मि सॉरी 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 फॉर दैट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलाउज़ुबिर नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ीनी यवसविसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। क्या बात, माशाल्लाह यार ये तो मोमिन हो गया है, माशाल्लाह. वाकई मोमिन है यार, पक्का मोमिन है। तो इनकी बातों से तो नहीं लग रहा था, मैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने तो कहा शायद ही इज सेंसिबल ये, गाय, ही इज अ सेंसिबल गाय. मैं थोड़ी देर तो समझा कि शायद कोई गेम खराब है, लेकिन ये तो वाकई मोमिन निकला यार। सो माय फ्रेंड, क्या आपको, वो भी मोहम्मद सोल्जर, इतने जल्दी सोल्जर ऑफ हथियार मोहम्मद नाते? है भाई, ये तो गेम ही चेंज हो गई भाई, ये क्या करें हम। आज तो मतलब हलवा खत्म हुआ और इधर जलवा दिख गया, क्या बात है. यार ये तो कमाल हो रही है यार, ये तो आज के गेम ही चेंज हो रही है, गेम चेंज हो रही है यार। मैं तो हैरान पे हरियान हो रहा हूँ, परेशान पे हरियानो परेशान हो रहा हूँ। यस मोहम्मद सोल्जर साहब, क्या डिसाइड हाँ करोगे बोलिए। आप? यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना वक्त लीजिए. आपको और आप जो है बाकी हमारी स्ट्रीम, इट्स नॉट ओनली दैट ये सिर्फ थूक के बुनियाद पे या गंदगी के बुनियाद पे आपने एक पॉइंट देखा और आप इस्लाम छोड़ रहे हो. देर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स यू नो वेयर वी हैव रेज द क्वेश्चन, कई सारे, एक वाक्या नहीं है. चलो एक होता तो समझ में आता, या तो हर हर बात पे, हर अमल पे, हर किरदार पे सवाल उठता है. तो आप बाकी हमारे वीडियोस भी देखो, चैनल्स पे जो डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है. और यू यू टेक योर टाइम, और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जो है वो फ्राइडे होगी और सैटरडे एडम के चैनल पे होगी, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ आपने डिसीजन ले लिया है, आप आके बताइएगा जरूर. ऐसा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। आई नो मेनी थिंग्स दैट दे या मेटर रेप इज लीगल इन इस्लाम, तब रोचे पॉलीगमी इज लीगल, तब रोचे देयर इज नो राइट फॉर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। आई नो मेनी थिंग्स अबाउट इस्लाम, बट द मेन इशू इज देयर सेफ्टी, बिकॉज आई लिव Yeah, इन अ मुस्लिम that डोमिनेटेड we सिटी, understand. सो So आई हैव टू that we understand, safety is the first, safety should be the first priority for everyone because every life matters. So that is true. But and Adam told you, no one is telling you that you know you become ex-Muslim and start telling everyone that you became ex-Muslim and start questioning them. No, we are not telling that. We know you are from place which is you know which has Muslim majority dominant, they are dominant there, but that is fine, you can keep it in your heart. But what's the use of following such a cult?
cult. Islam is a cult, you think? What else is it? Imagine a person spitting in the food and bread. What do you think of it? Imagine a person, like you said, he legalized raping. What would you call it, if not cult? Imagine a person who would have many, many girls as supposed wives. What would you call that person? Why would Muhammad need strength of 30 men for sex? Whereas when Muhammad is going in a battle, he is wearing two chain mills. What's the purpose of all that? His strength is only on his private part to perform sex with all of his girls in one night, plus some female slaves. Yet when he is going in a battle, he is wearing two chain mills, and a person came and punched on his face and he lost two of his teeth and he fell unconscious. And people thought he is dead and did not kill him. And then his followers came and picked him up. What would you call this kind of a person? A person who gave you a cult or a prophet? What would you call him? From your description, I can call him a sex addict, a pedophile, rapist, then, murderer, then, war then, crime. Then what would he? What do you think that he can give? Can he give a religion or a cult? So this word cult actually hurted you a little, and I understand it hurt. It gave you hurt, pinched you, and I understand that. But at the end of the day, you just agreed on everything. So if you agree on every single point what we just said, then why does the word cult actually give you pain? Because obviously this kind of a person can never give you a true religion, a faith. He cannot give you that. He would only give you what is good for him at that particular time. That is called a cult, a cultish movement. I'm sorry that these words are a little hurtful, and I understand that. And I'm so sorry that we are using these kind of words. But at the end of the day, can you call it a religion? But there are some good things also in Islam. Okay, tell me one. That is fine. No. Tell me one. Tell okay. me one. Give me one example. Zakat. Zakat. So zakat is everywhere. Rather, Islamic zakat is the most silliest zakat in the history of zakat. But zakat, giving to poor, is in every religion. You just named it zakat. यार ये कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है नफीस भाई थे नफीस भाई तुमको देता हूँ थोड़ी देर में रुक जाओ बाद में उनसे बात करेंगे देखो इस्लाम कॉल्ड इट ज़कात एट द एंड ऑफ द डे गिविंग टू पुअर इज इन एवरी कल्चर इन एवरी रिलीजन हिंदूज गिव क्रिश्चियंस गिव ज्यूज गिव सो मोहम्मद टुक दिस फ्रॉम समवेयर एल्स आई डोंट नो व्हिच पार्ट ही एक्चुअली टुक इट फ्रॉम बट वंस अगेन ज़कात इज 2.5% ऑफ द money that you save in a year, which is kept with you for a year, jo ek saal tak tumhare paas saved pada raha hai. Tumhara business hai 10 crore rupaye ka, uske upar zakat nahi hai kyunki business mein invested hai. Muhammad was very cunning into this. His money, which is in business, he would never pay zakat on that. So saved money. Hinduos se pucho, wo zakat dete hai, kya wo saved money bhi dete hai? Wo saved money bhi dete hai? Sorry. हाँ मैं ये कह रहा था आप 10 घर ले लो 10 घर पे जकात नहीं आएगी अगर आएगी मुस्लिम बोल देंगे लेट मी जस्ट क्लेरिफाई अगर 10 के 10 घरों में आपकी बीवियां रह रही हैं तो नहीं आएगी नहीं यहाँ अगर, पे अगर रेंटल प्रॉपर्टी है फिर आएगी हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेंट है मतलब इफ इफ दैट इज गिवन ऑन रेंट और उसका अमाउंट इतना आ रहा है उससे सेविंग आपकी बन रही है वो ब्रैकेट तक पहुंचने के लिए तब आएगी अगर आपने सिर्फ घर खरीद लिया है और यूज में नहीं है मतलब बस लेके छोड़ दिया है तो भी आपको रेंट नहीं देना है इसके ऊपर भी है साहिल भाई मैं बता दूं इससे पहले कि जो मोमिन आजर वो उस शरा में चला जाए अच्छा इख्तलाफ आपने है क्या? हाँ इसमें भी एक है इसमें भी इख्तलाफ है कि अगर वो घर आपने बिजनेस की नीयत से लिया है फिर उसके ऊपर बनेगी अगर वो बिजनेस की नीयत से नहीं लिया खुद के रहने के लिए लिया है फिर नहीं बनेगी तो इसके अंदर भी एक कैवियट है बेसिकली But anyhow, let me tell you something very important. एक और चीज पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं होती हीरे ले लो यू कैन बाय हीरा इंस्टेड ऑफ बाइंग गोल्ड बाय हीरे ले लो उसके ऊपर ज़कात नहीं है कोहिनूर का हीरा ले लो उस पर ज़कात नहीं है
साहिल, डू यू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ओवर हियर? हाँ कोहिनूर का हीरा ले लो, उसमें ज़कात नहीं है, सोना ले लो, उसमें ज़कात है। सी, सो यानी इफ कुछ यू वांट टू सेव सेंसिटिव बना ज़कात, था। हाँ, अगर आपने ज़कात के लिए पैसे बचाने हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हीरे खरीद लो, पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं है। बहुत गेम है। तो भाई ये जो आपने जकात की एक वाहिद चीज दी है मुझे, द हाजी ओनली थिंग, नमाजी, ये तो बता दो कि जकात का हीला भी है, अगर दी हुई जकात वापिस लेनी है उसका भी तरीका है। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें तो जकात की निस्बत जो क्रिश्चियंस देते हैं, जो हिंदूज देते हैं, दैट इज फार बेटर माय फ्रेंड एंड मच मोर। मोहम्मद ने जो गरीबों को दिलवाना था ना, वो उसने यहां से नहीं दिलवाया, उसने लड़ाइयों से दिलवाया। उसको उसने दिलवाया है लड़ाई करो और इन लोगों से क्या लो, कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29, क्या लो इनसे बताएंगे सर? नॉन मुस्लिमों से क्या लेते हैं? जी जी जिजिया। असल पैसा वहां से आता है, तो पैसा कहाँ से आता है? जिजिया से जी से। हाँ हाँ और हाँ माले गनीमत से, माले गनीमत से और जिजिये से। इस्लाम खुद बताता है कि मैं तुम्हें जिजिया और माले गनीमत से मालामाल करूंगा। चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो, आयत नंबर 49 की तफसीरें पढ़ लो, 949, आप पता लग जाएगा। सो बहुत सारी चीजें मेरी अच्छा जान। हाँ, एक एक सिर्फ 10 सेकंड देना है मुझे। जी हमारे जी जी संतोष रेड्डी साहब ने 10,000, एंड आई उत्तरी वांट टू खैर हो रिपीट, जाए। ओए होए होए, टेन क्या बात है भाई। थाउजेंड रुपीज और मुझे लगता है कि आज मिर्ची लगने वालों को इतनी तेज मिर्ची लगेगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। तो संतोष रेड्डी सर कह रहे हैं, नमस्कार साहिल भाई, यू एंड एडम आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क अगेन अगेंस्ट इन ह्यूमन कल्ट। आई एम जस्ट ए स्पिरिचुअल बीइंग, लाइक टू हेल्प एंड कंट्रीब्यूट यू बोथ इन सिक्स फिगर। अभी सिक्स फिगर कितना होता है? आई डोंट नो, लाख, मेरे ख्याल एक से 1 लाख। लाख हाँ, कैन वी बी इन टच विथ यू बोथ फॉर ए वंडरफुल ह्यूमैनिटी सेक? जय हिंद, वंदे मातरम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच संतोष जी, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप को हमारे टच में रहना है तो मेरे टच में रहने के लिए आपके स्क्रीन के सामने एक नंबर दिख रहा है, यू कैन व्हाट्सएप मी देयर। और एडम से अगर जुड़ना है तो आप डिस्कॉर्ड इंस्टॉल कर लीजिए, एडम से आप जो है जुड़ सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस व्हाट एवर इज योर प्लान और व्हाट एवर इज दैट। अच्छा, एक बात लेकिन मैं क्लियर कर दूं सभी लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर एडम विल ऑल्सो अग्री विथ मी, कि कोई भी हमें, एंड इट्स नॉट फॉर संतोष भाई, इट्स फॉर एवरी वन, बिकॉज मुझे ये बात क्लियर रखना है कि अगर कोई हमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो आप अगर इस नीयत से कॉन्ट्रीब्यूट करोगे दैट यू नो कि हम आपके हिसाब से या आपके मुताबिक काम करें, देन सॉरी, वी डोंट नीड योर कॉन्ट्रीब्यूशन और हम उस तरीके से काम नहीं करते। आई टेक माई ओन डिसीजन, एडम टेक हिज ओन डिसीजन। यस, वी एक्सचेंज आवर थॉट्स एडवाइसेस, बट वी टेक आवर ओन इंडिविजुअल डिसीजंस, एंड हम पैसे की बुनियाद पर, यानी कोई पैसा बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा तो आपके हिसाब से काम करेंगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट फॉर अस। एडम, इफ यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग, बिकॉज ये मिलना जरूरी है। 110%, 110%, क्योंकि देखें भाई, आप लोगों को इस्लाम के अंदर नहीं थे, आप लोग, हम लोग थे। और मेरा चैनल एक थियोलॉजिकल डिस्कशंस करता है, हमेशा किसी ना किसी ओपन थियोलॉजी के ऊपर बात करता है। साहिल भाई का चैनल एक खास टॉपिक जो कि इंडिया पाकिस्तान बहुत फैला होता है उसके ऊपर बात करता है, और ये दोनों चैनल अपने अपने तरीके से बात करते हैं, काम करते हैं। हमारे दोनों के चैनल इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम एक दूसरे के चैनल में आते हैं, एक दूसरे के साथ बात रखते हैं। और अगर आपके पास कोई मशवरा है, यस, आप दे सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि यार उस मशवरे में हम लाजमन अमल करेंगे, बिकॉज हमें पता है इस्लाम का, हम उसके अंदर से निकले हैं। तो बहुत सारे वाह मशवरे वाह, हमें ऐसे आते हैं जो कि ऐसे होते हैं देखने में, सुनने में, जो कि हमें नहीं सही लगते। सो वी वी कैन नॉट डू दैट, बट ऑब्वियसली वी अप्रिशिएट ऑल योर सपोर्ट, आपकी बातें सर यस, आंखों पे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी जो बात होगी उस पर हम ब्लाइंड ब्लाइंड
एक्सेप्टेंस भी दे देंगे, दैट्स वेरी जस्ट ये सोच के कि कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो यू नो वी डोंट हैव चॉइस, नथिंग लाइक दैट. एडम मैंने ये कभी बात बताई नहीं है लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ ताकि किसी के दिल में अगर कोई इस तरीके के ख्याल आए तो वो भी निकल जाए कि मैंने बाकायदा लोगों को पैसे रिटर्न किए हैं, एक साल के बाद भी रिटर्न किए हैं. जब उनके ऐसे कुछ मैसेजेस आए या मालूम पड़ा कि ये ऐसी बात हुई है, 50,000 प्लस मैंने रिटर्न किए हैं जीपे पर. वाह वाह, इसे ये आपकी दोनों की बातें सुन के मुझे एक वर्ड जहन में क्लिक किया, वाह क्या अखलाक है, अखलाक सालिखीन. देखो ये साले लोगों के अखलाक कैसे होते हैं, ए मेरे मुसलमानों ये देख लो, इनके पास भी कुछ अखलाक है. ओ वाओ. और ये और बाज लोग, अच्छा बाज लोग मुझे ये भी बोलते हैं, साहिल बता दूं क्योंकि पिछले दिनों काफी इस चीज के ऊपर ना कुछ लोगों ने आवाज उठाई हुई है, और वो मुस्लिम भी नहीं है, नॉन मुस्लिम ने आवाज उठाई है. सो लेट मी क्लैरिफाई, मैं साहिल को कुछ नहीं देता. साहिल अगर मेरी स्ट्रीम पे आता है, अपनी मर्जी से आता है, अपने टाइम पे आता है, और वो मुझसे नहीं कहता कि मुझे अपनी स्ट्रीम का 30% या 20% या 50% दो. नहीं, मैं साहिल की स्ट्रीम पे आता हूं तो मैं इस वजह से नहीं आता कि साहिल तुमने यहां से कोई कमाई कर ली है, उस कमाई का मुझे 20% या 25% या 50% दो. नहीं, इट इज ये साहिल का चैनल है, वो मेरा चैनल है ना. वो मैं और साहिल एक दूसरे से कभी ये भी नहीं पूछते हैं कि तेरे पास कितने पैसे आए और किसने दिए. इम्पॉसिबल, हमारे दरमियान कभी किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होती. सो जितने चैनल ये बात बोलते हैं कि हम लोग किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग या मनी में इन्वॉल्व्ड हैं, दैट इज बुलशिट, इट इज स्टूपिड एंड इट्स अ ब्लेटेंट लाई एंड अ ब्लेटेंट एक्यूजेशन. सैलवे इसका हिंदी तर्जमा कर दें सारी बात का. मतलब ले दे के बात ये है कि ये चुतियापा है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप उनकी बातों में इमोशन में बह नहीं जाया करो. कोई भी देखिए, लोगों को बहकाने का एक जो मेजर तरीका होता है वो है नरेटिव बिल्ड करना. तो कुछ लोग कोशिश करते हैं गलत नरेटिव सेट करने की. आप लोग समझदार हैं, आप लोग सब अडल्ट हैं, और आई एम श्योर जितने व्यूअर्स हैं उन सबके पास अपनी खुद की अकल भी है. So just don't, you know, मतलब किसी की बातों में मत आ जाइए करो. कोई अगर कुछ कहता है, think on that from all the perspective, all the angle, and then you take the decision के भाई ये कोई चीज सही है या गलत है. Just don't blindly accept anything and everything. हाँ असलम भाई. Exactly. और मैं एक second before you start, let me finish my thought. मैं जिस वक्त मुझे एक भी सुपर चैट नहीं आता था, उस वक्त भी मैं इतना ही काम कर रहा था. जिस वक्त मुझे सुपर चैट आ रहा है उस वक्त भी मैं इतना ही कर रहा हूँ. कल को सुपर चैट ज्यादा हो जाएगा तब भी उतना ही काम करूंगा, या कल को सुपर चैट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तब भी इतना ही काम करूंगा. सुपर चैट्स मेरा काम डिफाइन नहीं करते. Exactly. ठीक है, ये एक ऐसी चीज है एडिशनल जो कि आ रही है, एंड वी अप्रिशिएट एवरीवन. हम हर किसी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया क्योंकि वो हमें अप्रिशिएट करें, और हम उनका तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं. बट सुपर चैट डज नॉट डिफाइन कि हम क्या काम कर रहे हैं. हमारे मकसद कुछ और है, हमारा एम कुछ और है, और हम उस एम को लेके निकले, और वो आप सबको पता है हमारा एम क्या, बताने की जरूरत नहीं है. यू आर फॉलोइंग अस एंड सपोर्टिंग अस हमारे इस एम को पाया तकमील पे पहुंचाने के लिए, उसको एंड तक लेके जाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं. और आपकी हेल्प, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प आपकी इस वीडियोस को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, और इसके कंटेंट को याद रख के लोगों से बात करना है. ये सबसे मेजर मेजर काम है जो आपका करेंगे. और जो लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, मैं हमेशा उनका थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि उनकी सपोर्ट और अप्रिसिएशन से हमें अप्रिसिएशन होती है, हमारा दिल और भरता है. सो वी थैंक यू एवरी वन फ्रॉम द कोर ऑफ आर हार्ट. सुपर चैट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा. आप दोनों की मैंने बातें बहुत गौर से सुनी, और मेरे नज़रिए से अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए तो इंसान की सबसे जो कीमती शय होती है वो है उसका वक्त. तो आप लोग कितने पावरफुल और प्रोडक्टिव हो, जैसे कि हमारे एडम साहब के अगर न्यूरॉन गिने जाए
तो शायद बहुत ज्यादा निकलेंगे एक आम आदमी के इंसान में। नहीं, अब मस्जिद का जो इमाम होता है, अगर वो इमामत पे उजरत लेगा तो ये हराम है। तो उसके लिए दलील क्या दी गई है कि वो जो उसका वक्त जाये कर रहा है उसके एवज में उसे ये तनख्वाह दी जाती है। मेरा लुबे लुबा पहुंच रहा आई है। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो मेरे नजदीक आप जो इतनी मेहनत और मुशक्कत कर रहे हो, अगर आप दूसरा कोई भी काम करते तो आप इससे भी ज्यादा, आपके अंदर सलाहियत कूट कूट के भरी हुई है। तो आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते, ये कॉमन सेंस की बात मुझे तो समझ में आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, लेट्स फिनिश डिस्कशन विद मोहम्मद सोल्जर एंड देन वी हैव अफरा सियाब साहब। पता नहीं ये फीमेल है या क्या है, अफरा नाम है इनका। तो पहले इनके साथ डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। एडम, कुछ बताना बाकी है इनको? आई वॉन्ट टू से इनको ये समथिंग। तो अब भाई ने खुद सीख के आना है, और इनको कोई सवाल होगा तो जब आना चाहें ये आ सकते हैं और हम इनके सवाल का जवाब देंगे। हाँ, मेरा आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट, ओके इट इज ट्रू दैट देयर इज नो एज लिमिट फॉर गर्ल्स इन मुस्लिम टू मैरी। सेकंड, इज मुतबिहो अकॉर्डिंग स्टिल टू हलाल? कुरान, अकॉर्डिंग टू कुरान कोई नहीं है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू शरिया, यस, मुख्तलिफ शरिया आपको मुख्तलिफ देते हैं। जो मैक्सिमम एज लिमिट मिलती है वो ये मिलती है कि औरत को जब खून निकलना शुरू हो जाए तो उसके साथ शादी कर लें। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। शरन ये चीज बताई जाती है कि जब उसको खून आना शुरू हो जाए, माहवारी आना शुरू हो जाए, तो उसकी शादी की जा सकती है। कुरान में लिमिट नहीं है। कुरान में इवन ये भी है कि ऐसी औरतें जिनको अभी खून आना शुरू नहीं किया, अगर उनके साथ आपने सेक्स कर लिया तो आपको उनको भी इद्दत देनी है। कुरान चैप्टर नंबर 64 वर्स नंबर 4, ठीक है, 65 की 4, 65 की 4, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। उसके अगेंस्ट हमारे उलमा ने ये भी कहा है कि अगर औरत को खून आना नहीं शुरू हुआ लेकिन वो फिजिकली मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है, लेकिन उसको खून आना नहीं शुरू हुआ, तो भी उसके साथ शादी करके सेक्स किया जा सकता है। तो लिहाजा इसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ राय है, और इट डिपेंड्स कि आप किस आलिम को मान रहे हैं। कुछ आलिम कहेंगे खून आना जरूरी है, मेच्योरिटी की एज होना जरूरी है, यानी महावारी की उम्र तक पहुंचना उसका जरूरी है, और महावारी की उम्र यूजुअली 9 साल के साथ वो अटैच करते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने 9 साल की लड़की के साथ शादी की थी। लेकिन कुछ उलमा इस चीज का इख्तलाफ करते हैं शरा के अंदर, और वो बोलते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लादरा का वक्त जो जिक्र आया है हदीस के अंदर, उसके अंदर हम ये एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर वो इतनी मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है तो उसके साथ तब भी सेक्स किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया शादी में सेक्स करना, वरना शादी आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, आप किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं मुफाखजा का कॉन्सेप्ट। मुफाखजा का कॉन्सेप्ट यह है कि आप उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करोगे बल्कि उसके साथ थाइंग कर सकते हो। थाइंग आप छोटी बच्ची के साथ जब शादी करते हो, जब उसके साथ पेनिट्रेट नहीं कर सकते तो आप थाइंग करके एंजॉयमेंट ले सकते हो। और अगर आपकी बीवी हेज के अय्याम में है, खून आने के अय्याम में है, और अब आप उसके साथ सेक्स चूंकि नहीं कर सकते हो क्योंकि उसे खून आ रहा है, तो भी आप उसके साथ थाइंग कर सकते हो, उसको कच्छा पहना के उसकी थाइस के बीच में अपना प्राइवेट पार्ट रख के रगड़ सकते हो। तो देर आर देर मुफाखजा का कॉन्सेप्ट, जिसको आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा वो इवन छोटी बच्चियों पे भी इम्प्लीमेंट होता है। तो ये मुफाखजा का कॉन्सेप्ट है, ये भी इस्लामिक ही है। बच्ची का खून आना जरूरी है कुछ कुछ उलमा के लिए, और कुछ उलमा के लिए नहीं है। कुछ उलमा के लिए सिर्फ मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो जाना काफी है, लेकिन वुमेन इज जस्ट फॉर मैरिज एंड सोइंग जी, सीड्स, और उसकी किसी एज लिमिट और उसकी हाँ, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन, सॉरी फॉर दैट। आई होप यू गॉट द आंसर। यस, आई गॉट आंसर। एंड इज मुताबी, सॉरी सॉरी, व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी, मुताह मैरिज, डू यू नो दैट व्हाट इट इज? जी, मुता इज अलाउड इन शिया इस्लाम एट दिस मोमेंट। सुन्नी इस्लाम, मेजोरिटी ऑफ द सुन्नी इस्लाम मुता मैरिज को कहते हैं कि ये एब्रोगेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। मोहम्मद ने अपने जमाने में करवाया था। मुता का मतलब होता है प्लेजर, इंजॉयमेंट। मुता मैरिज, निकाहुल मुता इज प्लेजर सेक्स, प्लेजर सेक्स, निकाह सेक्स, मुता प्लेजर, प्लेजर सेक्स। प्लेजर सेक्स कैन बी डन 2 महीने, 3 महीने, 2 दिन, 3 दिन, 3 साते, कुछ भी कहा जा सकता है। उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस इसी चैनल के ऊपर हुई हुई है, आप उनको जाके देखिएगा।
और मुता जो है वो आप एक कपड़े के इवज भी कर सकते हैं, इट इज नथिंग मोर देन अ प्रोस्टिट्यूशन। शिया इस्लाम कहते हैं कि मुता कभी हराम नहीं हुआ था, और इब्ने अब्बास मुता करते रहे। इब्ने अब्बास का अपना, उन्होंने गाली भी निकाली थी अबू बकर की बेटी अस्मा के बेटे को कि तुम्हारा बेटा मुता की औलाद है। सुन्नी इस्लाम में कुबरा साद के अंदर लिखा हुआ है कि अस्मा बिनते मरवान ने मल्टीपल टाइम मुता करवाया था और उसका बेटा जो है मुता की औलाद है। शिया स्कॉलर्स भी मानते हैं, सुन्नी स्कॉलर्स भी मानते हैं, दोनों के दोनों मानते हैं, और यानी मुता अलाद था। और सुन्नी इस्लाम कहता है कि उसको मना कर दिया गया था। शिया इस्लाम चूंकि उन वाली हदीसों को नहीं मानते क्योंकि वो अबू बकर ने खत्म किया था, तो लिहाजा दे स्टिल बिलीव दैट मुता इज हलाल। और अगर आप कभी ईरान जाए तो वहां पे मुता सेंटर्स भी हैं। सो मुता इज नथिंग मोर देन प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि उसकी एक एंड लिमिट है। आफ्टर 3 डेज वो शादी खत्म हो जाएगी, आफ्टर 1 डे वो शादी खत्म हो जाएगी, आफ्टर 3 सातें, 3 सातें होती हैं सुबह दोपहर शाम, तो 3 सातों के अंदर अगर खत्म होगा शादी, तो इसका मतलब है कि वो एक प्रोस्टिट्यूशन है। पैसे दिए हैं, सेक्स किए हैं, और वो सेक्स खत्म हो गया। नाउ गेट अ डिफरेंट वन, दैट इज मुता। सुन्नी इस्लाम में हराम है इस वक्त, लेकिन prostitution is legal in Islam but in another नहीं, name prostitution is not legal, they say it's illegal but they have a different name for it which is called mota. सुन्नी इस्लाम में एक और चीज आती है, उसे कहते हैं मिसियार। सुन्नी इस्लाम में मुता के अगेंस्ट एक और चीज है, उसका नाम है मिसियार। मिसियार जो है उसके अंदर कुछ कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस हैं। मुता के अंदर आपको लड़की को बताना पड़ता है कि ये मुता कर रहा हूं। सुन्नी इस्लाम में जो मिसियार है वो इससे भी ज्यादा घटिया चीज है, क्योंकि उसमें आपको लड़की को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप मिसियार कर रहे हो। आपको पता है कि आपने 3 महीने बाद इसको तलाक दे देनी है। क्यों, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से निकले और आप चले गए यूके, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए गए हैं, यहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते किसी के साथ। अब आप किसी लड़की को बिसाफ फुसला के उसके साथ मिसियार करेंगे, शादी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं इसके साथ परमानेंटली शादी में नहीं रह सकता हूं। आपको पता है बात, तो आप उसे परमानेंटली शादी में रह नहीं सकते। तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि उसके साथ 3 महीने की शादी करेंगे, जब तक 3 साल की शादी करेंगे, 3 महीने की शादी करेंगे, 1 साल की शादी करेंगे। आपको पता है कि आपने 1 साल बाद, 3 महीने बाद इसे छोड़ देना है, आपको पता है। लेकिन ये बात इस लड़की को नहीं पता, लड़की को इस वजह से नहीं पता क्योंकि आपने लड़की को बताया नहीं, और इट इज अलाउड। ये मिसियार है। मिसियार में यह है कि जरा कॉन्ट्रैक्ट का टर्म जो है ना लंबा हो जाता है, वो इतना छोटा नहीं होता, जरा लंबा होता है।